गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज डीआरए फर्स्ट सेल में आपका जो टॉपिक है कि आपको इसमें मैं आपको दो चीजें डिफाइन करूंगी। इसमें सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है और दूसरा कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या है। ठीक है, ब्लॉक चित्र जो होता है कंप्यूटर का वो हम आपको इस पूरे वीडियोस के अंदर बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है हम इसमें समझेंगे। ठीक है, कंप्यूटर की परिभाषा भी बता रहे हैं आपको यहाँ पे, तो देखिए कंप्यूटर परिभाषा। ठीक है, परिभाषा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका प्रयोग हम गणितीय गणना एवं लॉजिकल गणना में करते हैं। ठीक है, ये सबको पता है कंप्यूटर दिखता है अपन को, वो वायर से कनेक्ट होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम कह सकते हैं कंप्यूटर को, क्योंकि उसमें सिग्नल्स वगैरह जाते हैं और कोई भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीज होती है वो टोटली हमारे करंट से या सिग्नल से कनेक्ट होती है, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। तो ऐसी तरीके से हमारा कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका प्रयोग हम गणितीय गणना यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन एवं लॉजिकल कैलकुलेशन। लॉजिकल कैलकुलेशन वो कैलकुलेशन होते हैं जिसमें हम या तो ये काम करेंगे या तो ये काम करेंगे, इसमें आप कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किए जाते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन का आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, जैसे प्लस माइनस डिवीजन मॉडुलो रिमाइंडर, ये सारे जो होते हैं वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं। ठीक है, लॉजिकल होता है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग होती है, वो सारा आपका लॉजिकल स्टेटमेंट के अंदर आता है। ठीक है, अब इसमें इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम आपसे यहाँ पे मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया है, यहाँ पर आपको इनपुट डिवाइस दिए है। ठीक है, एक इनपुट डिवाइस दिए है और उससे कनेक्टेड सीपीयू एएलयू सीयू और मेमोरी दी हुई है। ठीक है, और साथ में इससे कनेक्ट कर दिया है हमने आउटपुट डिवाइसेस को। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, इनपुट डिवाइसेस होती क्या है। इनपुट डिवाइसेस का मतलब होता है इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर में डेटा को एंटर करने का काम करती है या कंप्यूटर में डेटा को प्रवेश कराने का, या हम कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर के अंदर तो वो हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है हमारी, कीबोर्ड होता है, माउस होता है बेटा अपना। ठीक है, इसके बाद आपका स्कैनर होता है, कई सारी इनपुट डिवाइसेस होती है जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर में डेटा को एंटर कराते हैं। अब ये इनपुट डिवाइसेस हमारी कनेक्ट होती है हमारे सीपीयू से। सीपीयू को बोलते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये हमारे डेटा को प्रोसेस कराने का काम करती है। ठीक है, और ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है, एएलयू और सीपीयू। एएलयू को बोलते हैं हम अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो हमारे अरिथमेटिक यानी गणितीय और लॉजिकल कैलकुलेशन को करने में परफॉर्म करने में हेल्प करती है। फिर हमारी होती है ये सीयू जिसको बोलते हैं हम कंट्रोल यूनिट। जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म होते हैं वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी मेमोरी। जब हम हमारा कैलकुलेशन हो जाता है तो कैलकुलेशन कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, हमारी मेमोरी। मेमोरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमारे डेटा को एड्रेस प्रोवाइड होता है। ठीक है, जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है उसी तरीके से हमारी जो इंफॉर्मेशन होता है उसका भी कोई ना कोई एड्रेस होता है, वो एड्रेस हमारी मेमोरी के अंदर होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं आउटपुट डिवाइस पे। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जब भी हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं या डेटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर कराते हैं तो उसके बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है वो हमारी आउटपुट डिवाइस पर मिलता है। वो आउटपुट डिवाइस हमारी कौन कौन सी होती है, मॉनिटर हो सकता है जिसमें हमको रिजल्ट मिल रहा है,